शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ, ये भी अपने आप में एक तांत्रिक उपासना है। अच्छा, वो कहती थी कि जब मैं मंदिर जाती हूँ तो कोई ऐसे सिंदूर लगाता है तो भी मुझे ऐसे ऐसे से होता है, ऐसे। इसका मतलब, शी सेड, इसका मतलब इसमें पावर है। ऐसे हम तो पहले से ही कहते हैं, दशहरा से दीपावली नरसिम्मी शक्ति उठी होती है। ऐसे लोगों के घर खाना खाएं जिनका भाव आपकी तरफ सही नहीं है, तो वो किसी ने कुछ मंत्र पढ़ा नहीं है, पर आप ग्रहण, भाव ग्रहण कर लेंगे आप उस खाने से, बहुत सी नेगेटिविटी इसमें निकल जाती है इस पूरे 5 दिन के फेस्टिवल से। अगर आप दशहरे से दीपावली नहीं कर सकते तो ये 5 दिन, ये बड़ा पावरफुल टाइम है। धन का तंत्र, हाँ, इसको मैं धन का तंत्र, बिल्कुल आप बिल्कुल यूज कर सकती हैं ये शब्द। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, आज के पॉडकास्ट में बात होगी तंत्र की, पावर की, धन के तंत्र कौन से हो सकते हैं, साथ ही तांत्रिक साधनाएं किन्हें करनी चाहिए और किन्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस पॉडकास्ट में इस बात पर भी बात होगी कि जो डिवाइन एनर्जी वाले प्लेसेस हैं ये कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी एनर्जी है, क्या क्या घटनाएँ हुई हैं वहाँ पर, साथ ही वो एनर्जी, वो स्थान क्या आगे भविष्य में कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा क्या विलुप्त भी हो सकते हैं। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर मनीषा आहूजा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। मैम, तांत्रिक साधनाएं क्या होती हैं? जो शक्ति की उपासना है वो, देखिए मैंने आपको कहा, जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड का आविर्भाव शक्ति से हुआ, जब ईश्वर को मातृ स्वरूपा देखा जाता है, यानी कि ब्रह्मांड का आविर्भाव ही शक्ति से हुआ, उसे ऊंचा माना जाता है। जैसे कि हम कहते हैं काली और शिवा, विच इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि कोई लेडी खड़ी होगी किसी के ऊपर, इसका ये मतलब है। पहली बात तो ये रति क्रिया है, पर ये आपको दिखाते नहीं है, आपको दिखाते हैं बस माँ ने पाँव रखा, आपको ये नहीं बता रहे कि है रति क्रिया। ये रति क्रिया है, एंड शी इज़ ऑन टॉप ऑफ शिवा, वेर जो शक्ति है उससे कॉन्शियसनेस, चित्त को उठा देंगी वो, शिव जो जड़ हो गए हैं उनको जागृत कर देंगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ, तो यानी कि शक्ति अब जागृत हो गई, हाँ, शक्ति शिव से ऊंची हो गई ना। शक्ति से अब शिव चैतन्य हो जाएंगे, शिव चैतन्य है, अब शक्ति शिव को चैतन्य कर देगी। तो यानी कि जब हम शक्ति को, शक्ति से प्रादुर्भाव देखते हैं ब्रह्मांड का, या शक्ति को ऊंचा ऊंचा स्वरूप देखते हैं, या द वर्ल्ड एज द देवी और द फेमिनिन एज द डिवाइन फेमिनिन देखते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो सारा, उसे तंत्र कहा जाता है। तंत्र का अपने आप में मतलब क्या है? स्वतंत्र, पाचन तंत्र, तंत्र तो बस सिस्टम है, सिस्टम है। स्वतंत्र, तंत्रिका विभाग इज अ नर्वस सिस्टम। आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहाँ पे हिंदी में बोर्ड्स लिखे हुए, तंत्रिका विभाग एम्स में लिखा हुआ है, आपको पता है नर्वस सिस्टम का विभाग है। तंत्रिकाएं, स्वतंत्र, आपका सिस्टम। सो तंत्र बेसिकली मीन्स सिस्टम, उसका ना ये मतलब है ना वो मतलब है, सिस्टम। तो मैम, लोग ये साधनाएं करते हैं जिसमें तंत्र का उपयोग करते हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे तांत्रिक साधनाएं लगती हैं, वहाँ क्या उपयोग होता है इनका? जैसा कि मैंने कहा, शक्ति की जो उपासना है उसे, क्योंकि जब हम फेमिनिन को ऑल पावरफुल मानते हैं तो वो जो पर्सपेक्टिव है वहाँ से, जैसे कि 10 महाविद्याओं की जो साधना है या जो भैरव उपासना है वो तांत्रिक साधनाओं में आती हैं। अच्छा। और वैसे तो जितना भी ये रिचुअल है जिसमें मूर्ति पूजा भी है, ये सब तांत्रिक है ना, ये सब तांत्रिक उपासनाएँ हैं। आप कहें कि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ, ये भी अपने आप में एक तांत्रिक उपासना है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जितना भी मूर्ति पूजन है ये आपने जिसका ये सिस्टम सेट कर दिया वो सब तंत्र है, वो बेसिकली ये तांत्रिक उपासना है। पर आप इसको ना मान के किसी, अब आप कहते हैं स्मशान काली की उपासना को आप तांत्रिक कहते हैं, रिचुअल को आप नहीं, ये आपने अपने दिमाग में क्रिएट किया। बट या दैविक साधना, या जब शिव देवी के अधीन है वो साधना है, जब शिव भैरव हो गए ना, शिव देवी के अधीन हो मतलब शिव अब भैरव है, विपरीत रति क्रिया जो काली शिव पे हैं तो वो फिर तांत्रिक साधना हो जाती है, जहाँ शक्ति ऊंची है। सिंपल पॉइंट इसका ये है, जहाँ शक्ति ऊंची है। मैम, क्या ये तांत्रिक साधनाएं खतरनाक भी साबित हो सकती हैं? अगर आपके कोई गुरु नहीं है जो आपको गाइड करें और आप अपने आप से इसको
इसमें चले जाएं। जैसे कि मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी का एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मेरी जानकार एक कॉलीग है ना, जिसका एक थोड़ा सा हम कहेंगे एक काफ़ी ज़्यादा उस लेडी के मल्टीपल रिलेशंस रहे, है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत, चलिए वो एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में किसी का कैसा जीवन है वो आई एम नो वन टू कॉमेंट ऑन दैट। पर एक बार वह स्त्री ने, अब वो नहीं रही, उन्होंने टेलीविजन पे देखा और सिद्ध कुंजिका किसी ने बताया, उन्होंने सिद्ध कुंजिका पढ़नी शुरू कर दी नवरात्रों में। ये खुद उस स्त्री ने मुझे बताया है और मैं जानती हूँ बिकॉज वो बीमार रही हैं एक साल। उसके बाद वो सिद्ध कुंजिका करने लगी, शी सेड मेरे तो सिर में नॉकिंग होने लग गई है, मेरे सिर में ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे से कर रहा है, मेरे सिर के अंदर होता है। एंड देन शी वेंट टू द होल वर्ल्ड, उन्होंने कौन कौन से, वो कहते हैं जिसमें क्वैक्स भी हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स भी हैं, वो कहती थी कि जब मैं मंदिर जाती हूँ तो कोई ऐसे सिंदूर लगाता है तो भी मुझे ऐसे ऐसे से होता है, ऐसे इसका मतलब, शी सेड इसका मतलब इसमें पावर है, ऐसे हम तो पहले से ही कहते हैं। शी मेट मी, वी हैड अ गैप एंड शी टोल्ड दिस टू मी आफ्टर शी रिकवर्ड। ओके ओके, वी मेट अगेन एंड आई हर्ड इट, हर्ड द फुल, शी सेड आई वेंट मैड फॉर 1 ईयर। सो सिद्ध कुंजिका वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्तोत्र है, ठीक है, और हम कहते हैं कि पूरी दुर्गा सप्तशती का जो इफेक्ट है वो सिद्ध कुंजिका में है, है ना। तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम बड़ा पावरफुल है, रात्रि सूक्तम भी पावरफुल है, दुर्गा सती सप्तशती अपने आप में बहुत एक तांत्रिक उपासना है ना, मतलब तो आप रेडी नहीं हैं, आप मर्यादा में नहीं हैं, मर्यादा में आप रहेंगे तो आपकी शक्ति एकत्रित रहेगी। आप कुछ भी खा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप है, आपका कोई मर्यादा नहीं है, तो फिर वो 1000 वोल्ट का एनर्जी आपके स्पाइन में राइज करेगा और आपको वो उसको चैनलाइज नहीं होगा वो स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर जाने के लिए, तो कहीं तहस नहस करेगा और वो अंग जिस पे वो ऊर्जा आवाज़ करेगी, वो शक्ति, वो स्थान पैरालाइज भी हो सकता है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डिजीज़ क्रिएट हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आएगा कि ये डिजीज़ क्यों क्रिएट हुआ। देखिए, डिजीज़ पहले कारण शरीर में होता है, यानी कि कॉजल बॉडी में डिजीज़ का बीज होता है। हम उसे कैसे देखते हैं, जैसे हम आपका चार्ट देखते हैं तो हम कहते हैं डिजीज़ आने वाला है, तो डिजीज़ आप कहते हैं मैं धनिया की चटनी खा लूँ ठीक हो जाएगा, खा लीजिए, पर वो कॉजल बॉडी से इमोशनल बॉडी पे आता है, इमोशनल बॉडी से फिजिकल बॉडी पे आता है। तो इसलिए आपने सुना भी होगा कि हम काफ़ी बार कहते हैं वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन यू नो इन इन इमोशनली वेरी लाइक यू फेल्ट अ वॉइड, आपको बहुत तकलीफ होती है किसी रिलेशनशिप में, ऐसी लेडीज़ को कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, तो इमोशनल बॉडी से ही, पर उसका कॉजल बॉडी से बीच ऐसे ट्रांसफ़र होता है, फिजिकल बॉडी पे ऐसे अचानक से नहीं आ जाता, नहीं तो ज्योतिषी आपको चार्ट से कैसे बता सकता है कि बीमारी आने वाली है, इस एरिया की बीमारी आएगी, है ना, ये एक अलग बात है कि वो कैसे बताया गया। मगर स्पाइनल कॉर्ड में जो रास्ता है ना, वो ही बेसिकली रास्ता है सब काम होने का, तभी हम कहते हैं आसन पे बैठे हैं, क्योंकि इंसुलेट करता है वो आपकी ऊर्जा को, जो आपने आज जब साधन किया वही ऊर्जा को वो इंसुलेट करेगा, आप दोबारा उसी पे बैठेंगे तो इट्स एन इंसुलेशन ऑफ योर ओन एनर्जी। पर आप रेडी नहीं हैं, आप में मर्यादित नहीं है आप, तो फिर आप वो शक्ति को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र ऊर्जा क्रिएट करेगा और उन दिनों में नवरात्र के दिनों में शक्ति प्रचंड होती है, कॉस्मिक शक्ति प्रचंड है, आप रेडी नहीं हैं, वो एकदम से आपको बीमार कर सकता है, आपको मेंटल इम्बैलेंस दे सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी कुछ जगहें हैं, वृंदावन में भी ऐसी कुछ जगहें हैं कि यहाँ रात को मत रहिए क्योंकि आप पागल हो जाएंगे, शब्द ये इस्तेमाल किया जाता है, आप पागल हो जाएंगे। अब बहुत से फूल हार्डी लोग हैं, वो कहते हैं नहीं हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, वो कहते हैं यहाँ बंदर भी नहीं आते हैं रात को, आप यहाँ मत आइए, यहाँ कुछ आते, यहाँ रासलीला होती है, जैसे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। और मैं बहुत बार ये भी कहती हूँ, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट पे आ रही हूँ, रासलीला तो सहस्त्र चक्र में, जहाँ पर वो जो चित्त शक्ति है उसके आसपास वो 16,000 पॉइंट्स हैं सहस्त्र चक्र में, वह है बेसिकली रासलीला। तो इसको कुछ आप मंडेन मत समझें कि कोई आ रहे हैं लोग, मतलब बहुत ऊंची स्थिति है और बहुत ऊंची बात है, एक हिंट दिया मैंने यहाँ पर। अब वो कहते हैं कि यहाँ क्यों ना रहे हम, ऐसे बहुत से स्थान हैं। अब क्या होता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप ऐसे किसी स्थान में जाते हैं उस स्थान में वो ऊर्जा उठने लगती है, मतलब स्थान की जो शक्ति है वो उठने लगेगी, क्योंकि ऐसे उसमें विचरण होगा, ऐसी
ऐसी शक्तियों का विचरण है जो उठी हुई है। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पैरेलल ड्रॉ करेगा। जैसे कहा जाता है कि अगर आप संत की किसी सानिध्य में बैठे हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपकी शक्ति अपने आप उठने लगेगी क्योंकि पैरेलल ड्रॉ करेगी उस व्यक्ति के शक्ति से। ऑटोमेटिकली जब आप किसी ऊंचे व्यक्ति के साथ बैठेंगे, उसका खाना भी खा लेंगे, तो आपकी शक्ति उसके साथ उठने लगेगी। साथ बैठने से हो जाता है ये, ठीक है। तो अब आप, ये तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें वो सुषुम्ना से एनर्जी राइज करती है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे जो ऊंची स्थिति का व्यक्ति है, आपकी ऑटोमेटिकली ऊर्जा उठने लगेगी। अब आप उस स्थान में गए हैं जहाँ की, जहाँ बहुत ही मतलब ऊंची स्थिति हो रखी है, आप रेडी नहीं हैं, शक्ति उठ जाएगी, वो वोल्टेज ऐसी आपके स्पाइनल कॉर्ड में शूट करेगी, अब यूल गो नट्स, अब हैंडल नहीं कर सकते, वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स बर्स्ट करती हुई आगे चली जाएगी शक्ति, और तब तक आपको या तो वो पैरालाइज कर सकती है, आपको मैडनेस दे सकती है। इसलिए वो शब्द है कि ऐसे रात में, ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह में नहीं जाना, आप पागल हो जाए। इसका ये मतलब है कि कुंडलिनी उठ जाएगी क्योंकि वो पैरेलल ड्रॉ करेगी, ऑटोमेटिक ये एक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक ट्रेंड चल गया है स्पेशली जब से सोशल मीडिया पे अकल्ट साइंस को लेके इतने सारे कंटेंट मिलने लगे हैं कि हमें शक्ति चाहिए, हमें साधना करनी है, हमें तांत्रिक साधना करनी है, 10 महाविद्याएं सिद्ध करनी है, तो ये कहीं ना कहीं तो मैम फिर खतरनाक है अगर आप जैसा बता रहे हैं। बिल्कुल खतरनाक है। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, There was a lady I knew, she was in Bombay. She said, I'm going to some workshop of some 10 महाविद्या। वो तो 10 प्रेजेंटेशन के पावर पॉइंट की स्लाइड्स दिखाई और कहते हैं 10 महाविद्या। ये बहुत आडंबर है। आप इससे अच्छा जो आपको सिंपली आता है आप वो करें। आप कहें कि मैं तांत्रिक साधनाएं करूँगा, आप रेडी नहीं है, आपको कोई गुरु नहीं मिला। देखिए, जब आपका समय आ जाएगा, वो व्यक्ति आ जाएगा सामने आपको सिखाने, तब तक आपको एकेडमिक नॉलेज अपनी बढ़ानी है। आप अपनी बढ़ा लें एकेडमिक नॉलेज, क्योंकि यू नो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, पर उसके पहले हैं जिज्ञासु, आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट इट, है ना। बट फॉरन प्रैक्टिकल मत करें। हाँ, मेरे इसमें आप जिज्ञासु हैं, आप इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप रेडी नहीं हैं, तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आजकल ऐसे लोग हैं जो एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छी रखते हैं जी, आपको बताएंगे सदाशिव, भैरव, बहुत एकेडमिक नॉलेज है, पर जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको कोई मंत्र दीक्षा तो नहीं दे सकते हैं। एकेडमिक नॉलेज पढ़ के आप वापस आ जाएंगे, बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ये चेंज नहीं करेगा आपके, इट विल नॉट ऑल्टर द कोर्स ऑफ योर डेस्टिनी। आपको फिर भी करनी, जो आपको आता है वो करें। मैं आपको ये बता दूं, जिस व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा होनी होती है, वो दुर्गा चालीसा भी कहे ना कि मैं 40 दिन दुर्गा चालीसा करूंगा, कुछ भी नहीं, उसमें संस्कृत भी नहीं है। अगर ईश्वर को डिवाइन ग्रेस देनी होती तो सारे प्रकांड पंडित आज ईश्वरीय ग्रेस के एरिया में, परिफरी में आ गए होते, मगर ऐसा नहीं है। भक्ति जो है वो ज्ञान चक्र से ऊंची है, अनहद चक्र ज्ञान चक्र से ऊपर है। जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसका काम होना है वो जय माँ बोलने से भी हो जाएगा, उसको संस्कृत के श्लोक बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप ये कहें मैं कोई गहरी साधना करूँगा, डू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु। अदरवाइज सिंपली आप अगर कहें सप्तशती भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर फिर मर्यादित जीवन होना चाहिए। आप कहें मैं सब मर्यादित जीवन भी नहीं है और ऊर्जा क्रिएट कर लूँ, वो ऊर्जा फिर आप, आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें कहीं फंस जाएगी, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिलेगा। सब तो क्लियर, चैनल क्लियर नहीं है ना, क्योंकि उसमें देखिए संकल्प जो है वो भारी होते हैं, तभी आविर्भाव होता है दोबारा, आपका आवन जावन क्रिएट करता है संकल्प। संकल्प से सृष्टि, बहुत अच्छी लाइन है, मगर आप संकल्प करें क्यों? जिसको तो जाना है वो तो संकल्प ही नहीं करता, वो तो ये कहता नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इससे रिश्ता बनना चाहिए, ये बनेगा तो फिर आओगे वापस। तो ये सारा भारी है, मूल चक्र की तरफ लेकर जाता है। जब इतने संकल्प, अब यहाँ पर एक पॉइंट है आप समझिए, इतने संकल्प हैं, इतनी इच्छाएँ हैं, और शक्ति को आप ऊपर लेके जा रहे हैं, एक तरफ संकल्प उसको नीचे लेके जाएंगे और भारी इच्छाएँ उसको नीचे लेके जा रही हैं, ये रंग की साड़ी, वहाँ अमेरिका जाना, ये बैग, वो, और आप कह रहे हैं मैं आंतरिक साधनाएं करके शक्ति ऊपर ले जाऊं, तो वो कैसे जाएगी ऊपर? आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं? आप मानेंगे, जब ये भी कहा जाता है कि जब आप शहरी जीवन में होते हैं तो बहुत गहरी साधनाएं आपको इतना क्रोधी बना देती हैं, आप हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि ऊर्जा क्रिएट हो रही है ना, तो आप वो सब्लिमेट नहीं हुई, वो क्रोध
कितना तामसिक हो जाएगा हिसाब, तो वन हैज़ टू टेक केयर। सिंपली हनुमान चालीसा करें, सिंपली दुर्गा चालीसा करें, बहुत आपका कोई पद्धति है, घर की परंपरा है, महाकाली की उपासना हो रही है, आप करिए करिए, आपको स्वयं ही इष्ट आके बता दें करें, फिर कर लें कर लें। ललिता त्रिपुर सुंदरी का आप, ललिता सहस्रनाम आप करें, आपको अपने आप भगवती या जिसकी भी आप, रघुवीर की, श्री राम की आप उपासना करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं रामचरित मानस पढ़ूंगा, बड़ी ऊंची साधना है, अपने आप में ये सब कुछ कर देती हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने से कि मैं ये साधना, आपको जिससे प्रेम नहीं पहले तो वो कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल आपको प्रेम नहीं है, मगर आपने कहा हो जिज्ञासु हूँ मैं, महाविद्या की साधना करूँगा, आपकी परंपरा है घर की, श्री राम को भज रहे हैं, आप श्री राम को भजें, वो सब कुछ दे देंगे आपको। मैम क्या कोई धन प्राप्ति के लिए भी तंत्र किया जाता है, तंत्र साधना? देखिए सिंपल है, धन प्राप्ति हम आपके कुंडली में देख रहे हैं कि दारिद्र्य का योग है या आपको अनएम्प्लॉयमेंट का योग है, आप कहें हम साधना कर लें, चलिए थोड़ा फर्क आएगा, पर हम ये कहें कि आपके कुंडली के ग्रह पलट जाएं बिना आपके, क्योंकि प्रारब्ध कर्म है ना, आपको सफर तो करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, कुछ तो योग आएगा कि आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे, वो टाइम लगता है, पर फिर भी आप उपाय करें। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, दृढ़ प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, अदृढ़ प्रारब्ध को थोड़ा छेड़ सकते हैं, और जो तीसरी कैटेगरी होती है दृढ़ अदृढ़ प्रारब्ध, उसको भी थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हैं उसमें। तो कनक धारा स्तोत्रम का जो पाठ है नवरात्रों में भी, और ये बिल्कुल फलदायी है। जैसे आप कहें कि मैं 40 दिन आसनस्थ दिया जला के कनक धारा स्तोत्रम को पढ़ूंगा। अब जैसे मैं बहुत से लोगों को कहती हूँ, दशहरा से दीपावली नरसिम्मी शक्ति उठी होती है, इस समय की गई साधना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दशहरा से दीपावली, दशहरा और होली दो ऐसे पर्व हैं जिन दिन आप लोग पार्टी कर रहे हैं, अगर, लेट मी नॉट यूज़ द वर्ड पार्टी, आई एम सेइंग अगर इन दिनों आपने साधना नहीं की, जितना भी आप कहते हैं नज़र दोष या जो भी आपको किसी ने कुछ खिला दिया, देखिए जो आपको खिला दे वो आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, आपकी थिंकिंग को इफ़ेक्ट कर देगा, आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर देगा। एकमात्र तिलक एक ऊंचे स्थान से प्रसाद आपके नर्वस सिस्टम को उठा देता है। गंगा स्नान आपके नर्वस सिस्टम में बुरी ऊर्जाओं को, अमावस को गंगा स्नान करेंगे, बुरी ऊर्जाओं को निकाल देगा और अच्छी ऊर्जा उठाएगा, ऊर्ध्वामुखी ऊर्जा उठा देगा गंगा स्नान, सिर्फ गंगा स्नान। गंगा में मछली भी रहती है, आप कहें वो क्यों नहीं तर रही, भाव भाव, वो मंत्र नहीं पढ़ रही, वो ये नहीं कह रही ईश्वर मैं सरेंडर कर रही हूँ डिवाइन विल को, भाव, एक तो वो ये काम। अब दशहरे से दीपावली, तो दशहरा और होली ऐसे पर्व हैं जिसमें कोई भी जो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर ने कहीं गलत जगह खाना खा के, कोई भी ऐसा दोष जो क्रिएट हो जाता है, जैसे आप ऐसे लोगों के घर खाना खाएं जिनका भाव आपकी तरफ सही नहीं है, तो वो किसी ने कुछ मंत्र पढ़ा नहीं है पर आप ग्रहण, भाव ग्रहण कर लेंगे आप उस खाने से, तो वो सारी चीज़ें दशहरा और होली वो पर्व हैं। अब आजकल लोग सोचते हैं दैट दे कैन ड्रिंक एंड मेक मैरी, बट ये बड़े इम्पॉर्टेंट डेज हैं। और अब जैसे कि बात करते हैं दशहरा से दीपावली नरसिम्मी शक्ति उठी हुई है, अमावस को हम यहाँ नॉर्थ में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, एक पद्धति इस दिन, इस दीपावली को जो कार्तिक मास की दीपावली है और फिर पौष की अमावस है, कार्तिक मास अमावस, पौष की अमावस और मार्गशीर्ष की अमावस में कालिका का भी वर्शिप होता है। अच्छा। और यहाँ फिर वो दैत्यों का नाश करती है, तो इसलिए ये बड़ी प्रिकेरियस और ट्रिकी पीरियड्स होते हैं। इस समय पूरे कार्तिक मास में अगर आप, जब सूर्य नीचस्थ राशि में है इस समय, इम्यूनिटी बिल्कुल पुअर है, इस समय इस संक्रांत में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 अक्टूबर से 15 नवंबर हम द्विदल से निषेध करते हैं, यानी कि जब सूर्य की ऊर्जा नीचे होती है तो प्रोटीन का इंटेक नहीं करते। अच्छा। दालें नहीं खाते कार्तिक मास में, द्विदल से द्विदल निषेध है। अब आप लोग खा रहे हैं आपकी डाइजेस्टिव ऊर्जा खराब हो रही है और अग्नि नीचे की ओर चली जाएगी या क्षीण हो जाएगी, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मंत्र उपासना सारा खेल अग्नि पर है, सारा खेल अग्नि पर है, वो फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में और कॉजल बॉडी में कैसे, ये अग्नि, ये इतना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अग्नि वो ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट है आपके स्पाइनल कॉर्ड में,
यहाँ से सब ट्रांसफॉर्मेशन करके ऊपर कर देगी। आप उसी को खराब कर देंगे तो सारा तंत्र खराब हो जाएगा, सिस्टम का तंत्र खराब हो जाएगा, है ना। एक तो ये बात है। अब जैसा कि मैंने कहा, दशहरा से दीपावली नरसिम्मी शक्ति उठी हुई है, आप नरसिम्ह सहस्रनाम कर सकते हैं, आप और मंत्र कर सकते हैं नरसिम्ह भगवान के, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्युम नमाम्यहम। ये मंत्र आप कहें, मैं 108 बार करूँ हर रोज़, आप देखेंगे शरीर की ऊर्जा एकदम से ऊंची उठने लगेगी। नरसिंह भगवान की साधना तो मैम बिना गुरु के कर सकते हैं? मंत्र पढ़ सकते हैं, मगर एक इसमें दो मत हैं। जब नरसिंह भगवान उग्र हैं यानी कि मुँह खुला है, तो वो फिर अग्नि ऊर्ध्वामुखी होती है ना, जब अग्नि की आप साधना करेंगे तो फिर आप गृहस्थ नहीं हो सकते ना, फिर आप ब्रह्मचर्य अग्नि हैं, है ना। तो फिर आप सौम्य हैं, जहाँ वो लक्ष्मी नरसिंह हैं, फिर आप लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्रम पढ़ें, और जहाँ पे वो हिरण्यकश्यप तो फिर बिल्कुल उग्र है, वो तो आप गृहस्थ में नहीं कर सकते, वो गृहस्थ में नहीं कर सकते। या आप गृहस्थ में हैं और आप कहें कि अब बिल्कुल हम साधक हो गए हैं, अब रामकृष्ण परमहंस गृहस्थ में थे मगर साधक थे, उन्हीं का नाम, उन्हीं का हमने अभी डिस्कस भी किया बहुत डिटेल में। तो दैट डिपेंड्स ऑन आपकी स्टेट क्या है। और ये ध्यान रखिए, जैसे आपके इष्ट हैं वैसे आपका भाव उठ जाएगा। आप महाकाली के उपासक हैं, वो काल दंड हाथ में लिए, काल खड़ग लिए खड़ी है, उग्र है, शिव पर पैर रखे खड़ी है, अब आप कहें कि मैं बिल्कुल सौम्य हो जाऊँ, वो नहीं होगा, आप में उसका भाव जागृत हो जाएगा। जब आप रौद्र होंगे तो आप उसका भाव मिरर कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही दिखाएंगे आप। तो आप नरसिंह को भजेंगे तो फिर वो जो बिल्कुल उग्र नरसिंह है, जो साधक हैं वो फिर भजते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि गृहस्थ हैं तो आप लक्ष्मी नरसिंह को भजें, लक्ष्मी, पर ये जो समय है ये आप लक्ष्मी नरसिंह को भी भज सकते हैं इस समय, बिल्कुल ये पावरफुल है। और इस समय धनतेरस को आप कनक धारा कहें कि मैं धनतेरस को कनक धारा 3 बार पढ़ता हूँ, इट्स अ ग्रेट। बेसिकली जो दीपावली का फेस्टिवल है, दशहरे से दीपावली तो एक पीरियड है, ऊपर से ये पूरा कार्तिक मास चल रहा है, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर मोटा मोटा आप इसमें संक्रांति तिथि देखें, दूसरा दशहरे से दीपावली, इसको बहुत छोटा करें तो धनतेरस से भाई दूज, ये 5 दिन का फेस्टिवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। धनतेरस को हम नया जो ब्रूम है, नया झाड़ू खरीदते हैं, और श्री सूक्तम का भी पाठ करते हैं उसके ऊपर कि दारिद्र्य अलक्ष्मी घर से बाहर जाए और लक्ष्मी प्राप्ति हो। धनतेरस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर दिस। और फिर आप देखेंगे दीपावली के बाद अन्नकूट और फिर भाई दूज, ये बड़े 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप स्वयं, जिसे कहते हैं ये भाई दूज जो है, इसमें स्वयं ये तो यमराज का वर्शिप हो जाता है, यम यमी का, आप बहुत सी नेगेटिविटी इसमें निकल जाती है इस पूरे 5 दिन के फेस्टिवल से। अगर आप दशहरे से दीपावली नहीं कर सकते तो ये 5 दिन, संक्रांत से संक्रांत करें तो नथिंग लाइक इट फॉर कार्तिक मास। ओके, जब सूर्य नीचस्थ राशि में है। अब इसमें आप देखें बिहार में छठ मन रही है, हाँ जी, वो मनती तब है जब डिग्री वाइज सूर्य नीचस्त हो जाता है, डिग्री वाइज, हाँ जी, हाँ जी। उस समय पढ़ा गया आदित्य हृदय स्तोत्रम, आपके पूरे साल के लिए मतलब कंप्लीट है। आप कहें जब बिहार में छठ 3 दिन की मनेगी ना, तो हम आदित्य हृदय स्तोत्रम 9 बार पढ़ेंगे, सो वेरी गुड साधना। आप कहें संक्रांत से संक्रांत, कार्तिक संक्रांत जब तक कार्तिक मास जब तक है, तब तक आप आदित्य हृदय स्तोत्रम करें, बहुत बड़ी साधना है। और जैसा कि मैंने बताया धनतेरस को आप कहें कि मैं 7 बार कनक धारा स्तोत्रम, 3 बार कनक धारा स्तोत्रम, आप बहुत संस्कृत है तो आप महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ सकते हैं, तो लक्ष्मी अपना आवागमन शुरू करेंगी आपके घर में। ये बड़ा पावरफुल टाइम है, धन का तंत्र है, हाँ, इसको मैं धन का तंत्र कहूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं शब्द, क्योंकि समय है। और ऐसे जो सोलर और लूनर मंथ्स की जो कॉम्बिनेशंस हैं, और जो अमावस्या पहले का ये समय होता है, इसमें ये वर्शिप जो है महालक्ष्मी का, ये बिल्कुल पावरफुल समय होता है। समय देखना बड़ा ज़रूरी है, काल क्या है, स्थान क्या है। मैम क्या शाबर मंत्र तांत्रिक मंत्र होते हैं? देखिए शाबर मंत्र जो हैं ये, चलिए मान ले, हाँ ये हम तांत्रिक कह सकते हैं क्योंकि शक्ति का प्रयोग है शाबर मंत्र, और इजी होते हैं, इजी जल्दी प्रभाव देते हैं, पर ये जिज्ञासु हो के आप इसमें अब कहें कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे शाबर मंत्र कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं बहुत से लोगों को देखा है, होता कुछ नहीं है। आपको कोई गुरु दे जाए कोई शाबर मंत्र तो फिर आप उसे करें, नहीं तो आप सिंपली आप कहें मैं दुर्गा चालीसा पढ़ूँ या हनुमान चालीसा पढ़ूँ, आपका काम तब भी हो जाएगा। मगर ये ध्यान रखिए
कि बड़े बड़ों के काम नहीं होते, अगर काम हो ही जाने होते तो ये मृत्यु लोक नहीं होता, मृत्यु लोक को दुखाले का गया है। तो इसमें देर आर नो रेडी सोल्यूशंस कि ये करा ये ठीक, वो करा वो ठीक। आपको अपने प्रारब्ध को, अपनी डेस्टिनी को भोगना ही होगा, आप उससे आगे नहीं निकल सकते, आप हर चीज़ का तोड़ नहीं बना सकते। आपका ये है तो शावर मंत्र कर लिया, वो है तो ये कर लें। जितने भी ऊंचे साधक हुए हैं उनके जीवन कष्टकारी हुए हैं, वो भी कर लेते ये साधना वो साधना। ईश्वर साधना मटेरियल गेन्स के लिए चलिए आप करना चाहते हैं कर लें, मगर आवागमन बंद करने के लिए तो आप मटेरियल गेन्स के लिए साधना नहीं करेंगे ना। ये तो हर चीज़ इच्छा इच्छा इच्छा, मेरी इच्छा मैं ऐसा करूँ, मुझे ये मिल जाए मैं ऐसा करूँ, ये सिर्फ भार क्रिएट करेंगे आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, कुछ इसमें से निकल के आएगा नहीं। ठीक है मिल जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आप कहेंगे वो मिले, आप चक्रव्यूह में ही फंसे रहेंगे। इस चक्रव्यूह से जब तक आप टेंजेंट निकाल के बाहर नहीं जाएंगे ना, ये आपके जीवन का असल मतलब है ना। अब लोग चाहते हैं कि वो टोटके और टोटकों से जीवन जी लें, इट्स अ वेरी सुपरफिशियल शैलो सुपरफिशियल लिविंग। कभी कभार आप कर सकते हैं, किसी मुसीबत में आप आ गए, आपने कोई काम करा, आपने कहा क्विक सोल्यूशन, देयर इज नो हार्म, बट टू मेक इट अ वे ऑफ लाइफ इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। क्योंकि जो आप प्रारब्ध लिखा के आए हैं वो तो भोगना ही है। हाँ, पर आप एक्सपीडाइट कर सकते हैं किसी अगर कार्य से, किसी मंत्र उपासना से। जैसे बहुत से लोग हैं नर्वस सिस्टम में टेंशन है, तो हम कहते हैं धन्वंतरी उपासना अच्छा बुधवार को करें आप, देखिए आपको नर्व्स में रिलीफ आएगा। तो ये अब हम ये कहें आप क्रियामान कर्म ही ना करें, जो है वो भोगें, फेटलिस्टिक नहीं होना है, पुरुषार्थ करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसलिए अब जैसे ये उपासना है धन्वंतरी भगवान की उपासना, आपने कहा कि बुधवार के बुधवार नर्वस सिस्टम को आपको हेल्प करता है, विष्णु सहस्रनाम बुधवार के बुधवार नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, एपिलेप्टिक पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं विष्णु सहस्रनाम बुधवार के बुधवार करते हुए। इतना पावरफुल है ये, अपने आप में तंत्र है। आप कहें कि ये उपासना, तो बट मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है क्विक फिक्सेस नहीं होते, हर बार क्विक फिक्सेस नहीं होंगे, ये भी कोई ग्रेस होगी कि क्विक फिक्सेस आपकी ज़िंदगी में इस बार आ गए। हर बार वो भगवती शायद कृपा भी नहीं करे कि आपको क्विक फिक्सेस देने लग जाए हर बार। मैम क्या आपने कोई तांत्रिक साधनाएं की हैं? इन बातों को बहुत कमर्शियल करना या इन बातों को बहुत इनको कहना, फिर ऐसा लगता है जैसे इसमें से हम माइलेज, बट मैं माँ काली की उपासक हूँ और मेरी बड़ी तारापीठ जो कैलकटा में है, वेस्ट बंगाल में है, वहाँ का बहुत मेरा वर्शिप है, और उस जगह को लोग तांत्रिक साधनाओं के लिए भी जानते हैं। बट मैं इसे कहूँगी जब आपको अब प्रेम ही हो महाकाली से, तो फिर अब क्या तंत्र और क्या नॉट तंत्र, यू नो, जब प्रेम है आपको अपने इष्ट से, प्रेम है हमारी इष्ट है महाकाली, हमें प्रेम है उससे। अब पहले नवरात्रि से भाई दूज तक हमारे घर में हवन चलते हैं, हवन की पद्धति है, हमें पूरे उसमें। अब मैं इसमें ये नहीं कहती कि मुझे इसमें क्या चाहिए, ये तो मेरा प्रेम है। अब वो आए किसी दिन हम चाय पिए, लोगों की धन सुख समृद्धि फेम की लालसा होती है, आपकी माँ काली के साथ चाय पीने की लालसा है तरीका, आप समझ गए मेरा भाव क्या है। तो इसमें अब क्या आप साधना से आप क्या चाह रहे हैं, आप अपने इष्ट के रूबरू होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उससे, आप कहना चाहते हैं कि मैं सुनूं तू क्या कहे या तू मुझे गाइड करे मैं क्या करूं, पर अल्टीमेटली आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से निकलूं, कि तू मैं तेरे लोक पहुँच जाऊँ, तू मुझे यहाँ से निकाल दे, फिर तो कहेगी मैं कल निकाल देती हूँ, फिर आपका जीवन से आपको प्रेम नहीं हो सकता। फिर आपका मेरे तो बहुत सारे काम रहते थे, कौन से काम, साधनाएं फिर निकल जाने के लिए होती हैं, निकल गए आप, निकल जाना, आप बहुत ज़्यादा साधना कर रहे हो कि निकल जा फिर आ जा, फिर आप तैयार हैं। हर चीज़ मटेरियलिज्म के लिए नहीं हो सकती, अल्टीमेटली वो ऐसा फिर आपको धक्का पड़ सकता है कि आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपके साथ यहाँ पर एक और बात शेयर करती हूँ जो मेरे ज्योतिष गुरु ने मेरे साथ शेयर करी। राव सर कैलकटा में पोस्टेड थे, उनके गुरु परमानंद सरस्वती जी ने उन्हें कहा कि मैं तारापीठ जाऊँगा और अपने साथ अपने बाकी शिष्यों को लेकर जा रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं लेकर जाऊँगा। तो राव सर ने कहा, ये 1960s की बात है, 1964-65, तो he was posted in Calcutta and you know that he retired as the Director General of Indian Audit Services, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तारापीठ में इतनी ज़्यादा तपस्या है पिछले जन्मों की कि अगर इस बार मैं तुम्हें वहाँ लेकर गया तो तुम देह त्याग दोगे
और तुम्हें अभी और बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं तुम्हें तारापीठ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि वहां जाकर तुम देह ही त्याग दोगे। और राव सर, तब क्या आज तक कभी तारापीठ नहीं गए? मैं तारापीठ से जब धागा लाती हूँ तो उनको अक्सर वो धागा रक्षा सूत्र उनको बांधती हूँ कि आप वहाँ नहीं गए, पर ये माँ का आशीर्वाद। या ये उन्होंने खुद मुझे नरेट किया और मैंने काफ़ी जगह इसको अपने ब्लॉग्स में लिखा भी है, इस पूरे इंसिडेंट को। तो एक गुरु ये भी देख लेते हैं कि जैसे उनके गुरु ने देखा कि पुरानी तपस्या किस क्षेत्र की है, सिर्फ ये नहीं किस क्षेत्र की है, किस देवी की है, और वहाँ अब जाने से देह त्याग दोगे, इतना प्रेम उमड़ जाएगा, ऐसी समाधि की अवस्था आ जाएगी कि देह ही त्याग दोगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये क्या उपासना है, मेरा प्रेम है उससे। अब वो प्रेम है, अब आप इसको रंग आप कोई भी दें, आप कहें ये है वो है, हम आँख बंद करते हैं हम उसको याद करते हैं, हम सुबह उठते हैं हम उसको याद करते हैं, अब ये तो हमारी इष्ट हैं। अब आपके इष्ट श्री राम भी हो सकते हैं, अब कालिका अगर यूनिवर्स में अगर हम कहें ये माँ है, तो जो उनका जो पुत्र हैं वो कृष्ण हैं, तो आप कृष्ण को भजें या आप कालिका को भजें, एक ही बात है, कृष्ण काली। आप बहुत जगह आइकोनोग्राफी देखेंगे कृष्ण काली की, एक हाथ में काल खड़ग और दूसरे हाथ में बांसुरी। तो इसलिए ये सब। एक आखिरी सवाल मैम, जो भी मुझे लगता है कि बहुत कंसर्न है मेरा भी और जो लोग स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं उनके दिमाग में भी ये जहन में क्वेश्चन आता है कि कामाख्या देवी मंदिर हो गया, तारापीठ हो गया, ऐसे जो बहुत हाई एनर्जी से भरे हुए, वैष्णो देवी हो गया, जो बहुत हाई एनर्जी से भरे हुए शक्तिपीठ हैं या शिव जी के मंदिर हैं, यहाँ इस जगह को बहुत कमर्शलाइज कर दिया। कमर्शलाइज एज इन कि लोग जा जा के वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ के बैठ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कैमरे पे, तो क्या कहीं ना कहीं वहाँ की शक्तियाँ, वहाँ की ऊर्जा इन्हें नुकसान पहुँचा सकती है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि ऊर्जा तो वहाँ है, अब आप उस ऊर्जा को आंतरिक वो कहते हैं ना बेनिफिट के लिए नहीं यूज़ कर रहे, आप कह रहे बस मैं एक यूट्यूब का वीडियो बना लूँ और लोगों को बता दूँ। आपने उसको ना ग्रहण किया, ना आपने साधना की, आपने बस उसका एडवर्टाइज किया। सो यू आर जस्ट अ मीडियम ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड यू माइट बी एडवर्टाइजिंग योर सेल्फ बाई सेइंग दैट यू वेंट देयर, है ना, आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं, पर आपने उसका लाभ नहीं उठाया। अब इसमें दो बातें हैं, ये कहा गया है कि कलयुग में ऐसे जो पावरफुल स्थान हैं उनमें आपको व्यवधान बन जाएंगे जाने में, व्यवधान बन जाएंगे ताकि आप पहुँचे ही ना, या तो आपके मन में आएगा ये जगह तो यहाँ बहुत मिट्टी है, यहाँ बहुत गंदा है, मैं पैर नहीं रखूँ। बहुत लोग कहते हैं, मैं खुद ऐसे मेरे जानकार ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यहाँ बहुत गंदा है, यहाँ बहुत गंदा है। वृंदावन जो कि बिल्कुल मतलब हृदय है, हलादिनी शक्ति है श्री राधा श्री कृष्ण की, हलादिनी शक्ति उनका हृदय स्थान है ना, तो मैं बहुत से लोग देखती हूँ जो आके मुझे कहेंगे नहीं वहाँ तो ना गंदगी है, तो बुद्धि जो है ना, बुद्धि आपकी बुद्धि फेर देगी, वो ग्रेस नहीं है, दैविक ग्रेस होती है ना, तो आपको सूक्ष्मता आ जाती है, आपको समझ में आता है कि ये क्या है, नहीं तो आपका इंटेलेक्ट आपके साधना के रास्ते में अड़चन बन जाता है। आपका इंटेलेक्ट आपको वो प्योर जो जिसे हम कहेंगे द हायर नेकेड ट्रूथ वहाँ तक जाने ही नहीं देता, आप आडंबर में ही फंस जाते हैं, आपका इंटेलेक्ट आपको एक पहरेदार बन जाता है और आपको आखिरी थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं करने देता। तो ये एक पॉइंट है कि ऐसे स्थानों में लोगों को ऐसी चीज़ें दिखती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वैष्णो देवी की शक्ति कम हो जाती है क्योंकि लोग यूट्यूब कर रहे हैं, वो शक्ति तो वहीं है, मगर माया आपकी बुद्धि फेर रही है कि आपको आप उस शक्ति से अपना भला नहीं करेंगे, आप बस उसके फेर में रह के एडवर्टाइज करके थोड़ा सा इधर उधर करके आप आ जाएंगे। या आपको कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, हम बहुत साधना कर रहे हैं, उनको राइटिस इंडिग्नेशन हो जाती है, दिस इज़ ऑल्सो एन ईगो ट्रिप, हम बहुत बड़े साधक हैं, मैं लोगों को जानती हूँ हम बहुत बड़े साधक हैं, होता कुछ भी नहीं, आप इतने बड़े साधक हैं आप चुप रहें, जो होना होगा आपकी इनर लेबॉरेटरी में हो जाएगा, एग्जैक्टली इनर लेबॉरेटरी नोज वेयर इट इज़। ज़्यादा इसमें क्या मैम, इट्स अ सेल्फ, ये अपनी जर्नी है, इट्स अ जर्नी ऑफ द सेल्फ। क्या कलयुग में जो आने वाला समय होगा, क्या वहाँ पर जो ऐसे जगहें होंगी जहाँ डिवाइन एनर्जीज मानी जाती हैं,
लोगों के बढ़ जाने के कारण या अशुद्ध हो जाने के कारण ऐसे प्लेसेस का, क्या वहाँ से वो डिवाइन एनर्जी जा भी सकती है? देखिए, अब जैसे आप बद्रिकारण्य जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, तो आपको पहले ही पता है भविष्य बद्री हैं। क्यों? क्योंकि एक समय आएगा कि बद्रीनाथ का रास्ता ही बंद हो जाएगा, तो भविष्य बद्री पहले ही स्थापित हैं। तो ऐसा तो होगा कि ये जगहें लुप्त हो जाएंगी। अच्छा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे लुप्त हो जाएंगी, ये है। और ये बद्रीनाथ में है, ये भविष्य पुराण में भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं, और बद्रीनाथ में तो जैसा मैंने कहा भविष्य बद्री पहले ही सैक्रोसैंक्टम कॉन्सिक्रेटेड है। आपको एक दिन वहाँ रास्ता बंद होगा, फिर भविष्य बद्री जाएंगे, आप लोग जानते हैं। फोकलोर में ये बातें हैं, जो पुराने संत कह गए वो श्रुति में चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा रहा ये पॉडकास्ट। काफ़ी सारी चीज़ें तंत्र के बारे में, ऐसे डिवाइन प्लेसेस के बारे में, ऊर्जाओं के बारे में आज पता चली हैं। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।